आपको शर्म नहीं आती? नहीं। सुबह से रात तक लगा रहे तो टाटिया दुखी जाए छे। बासी फाफड़े जैसे मुंह बनाया खड़ा है अना तू ना इसलिए। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे सत्य प्रेम की कथा के 19वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक के टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 9,25,00,000 का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 38,50,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 53,32,00,000 का, दूसरे हफ्ते में 19,24,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 16वें दिन में 1,20,00,000 का, 17वें दिन में 1,95,00,000 का और अपने 18वें दिन में यानी संडे के दिन में लगभग 2,31,00,000 का नेट कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 18 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 78,02,00,000 हो चुका है तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 93,30,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 21,30,00,000 का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 18 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 114,60,00,000 हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 19वें दिन की कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 19वें दिन में इंडिया में लगभग 90,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 62 करोड़ है और फाइनली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हो चुकी है। ये फिल्म कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ में दूसरी फिल्म है और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस में हिट रही है। दोस्तों आपके हिसाब से इस फिल्म का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन कितना होगा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।